मथुरा कासगंज रेलवे ट्रैक के किनारे एक 2.5 साल का बच्चा पड़ा होने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनंद पानंद में बच्चे को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। यह मामला मथुरा के थाना राया इलाके पिचपरी चौकी क्षेत्र गांव मुसरिया रेलवे ट्रैक के समीप का है, जहां एक 2.5 साल का बच्चा रेलवे ट्रैक किनारे पड़ा मिला। बच्चे के गले में एक फांसी का फंदा भी डला हुआ था, लेकिन स्थानीय लोगों को बच्चे की चीख पुकार सुनाई दी और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को जिला हॉस्पिटल के लिए भेज दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल दो डॉक्टर बच्चे की देखरेख कर रहे हैं और उसका ख्याल रख रहे हैं। फिलहाल बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर, इसलिए सुबह 7:30 बजे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। 2.5 साल की उम्र है। हमारे इमरजेंसी के डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अमन कुमार उसकी देखरेख कर रहे हैं। अभी मैं पता करता हूँ उसकी स्थिति क्या है, दोनों लोगों से बात करके बच्चे से मिलते हैं, आगे की कार्रवाई क्या है, क्या इलाज चल रहा है। सर बताया जा रहा है उसके गले में किसी तरह का कोई फांसी का फंदा वगैरह, ये हम अभी पता लगाएंगे। एक सूचना मिली थी तो ये लोग गए थे चौकी वाले, जब वहाँ पहुँचे हैं बिजपुरी वाले, उन्होंने वहाँ जाकर देखा एक है 3 साल की लमसम होगा बच्चा, वो वहाँ था, जिसे किन वजह से वहाँ पहुँचा किसका है अभी ये जानकारी नहीं हुई, लेकिन बच्चों को वहाँ से ला करके खाने के लिए रखा गया, उसको इलाज वगैरह दिखाते हैं। कोई अगर किसी में ऐसा होता है तो इलाज के बाद मालूम पड़ेगा, इससे बच्चा ठीक होता है।